भिलानी की बेटियां करतब पथ परेड में होंगी शामिल। लगातार 64 साल से स्कूली बेटियों का ब्रास बैंड दे रहा प्रस्तुति। बिरला बालिका विद्यापीठ की छात्राएं दे रही हैं प्रस्तुतियां। बैंड दल में 51 लड़कियां होंगी परेड में शामिल। पहली बार 1960 में स्कूली लड़कियां हुई थी परेड में शामिल। परेड को लेकर किया जाता है कड़ा अभ्यास। इस बार भी लड़कियों को बैंड दल परेड के लिए हुआ रहा है। गणतंत्र दिवस के दिन राजधानी दिल्ली में होने वाली परेड को लेकर हर कोई रोमांचित रहता है और परेड में अलग अलग राज्यों की झांकियों को देखने के लिए साल भर लोग इंतजार करते हैं। कर्तव्य पथ पर होने वाली इस परेड में झुंझुनू के पिलानी स्थित बिरला बालिका विद्यापीठ की बेटियां भी तिरंगे झंडे को बुलंद करती है। दरअसल पिलानी कस्बे की बिरला बालिका विद्यापीठ की स्कूली छात्राएं अपने स्कूली बैंड के साथ पिछले 64 साल से परेड में शामिल हो रही है। परेड के लिए पिलानी की बिरला स्कूल का बैंड कभी रिजेक्ट नहीं हुआ। लगातार 64 साल से कर्तव्य पथ पर परेड में भाग लेने वाला यह देश का एकमात्र स्कूली बैंड है। परेड में शामिल होने के लिए स्कूल कैंपस में लड़कियां कड़ी मेहनत करती हैं और कर्तव्य पथ पर अपने हौसलों की उड़ान भरती हैं। स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर एम कस्तूरी ने बताया कि परेड में जाने से पहले बालिकाएं हर दिन 10 घंटे प्रैक्टिस करती हैं और जिसके लिए कड़ाके की ठंड में सुबह 5 बजे उठकर अभ्यास करती हैं। बैंड में कुल 51 छात्राओं का चयन किया जाता है जो क्लास 8 से 11 तक के NCC कैंडिडेट्स होते हैं। बैंड में चयन होने के बाद हर दिन छात्राओं को 10 से 12 घंटे अभ्यास कराया जाता है। स्कूल प्रिंसिपल डॉक्टर एम कस्तूरी ने बताया 1959 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पिलानी में स्कूल के कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां स्कूल के NCC कैंडिडेट्स ने उनके सामने बैंड की प्रस्तुति की, जिसे देख कर उन्होंने छात्राओं की बेहद तारीफ की। इसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि देश के छोटे से कस्बे में ऐसी छात्राओं का बैंड भी है जिसे आगे बढ़ना चाहिए। श्री नेहरू ने स्कूल में कहा कि अगले साल के गणतंत्र दिवस पर यह बैंड नेशनल परेड में शामिल किया जाएगा और 1960 में यह बैंड पहली बार नेशनल परेड में शामिल हुआ और इसके बाद से लगातार बैंड 26 जनवरी को परेड में शामिल हो गया। इस साल भी कर्तव्य पथ पे मार्च करने के लिए गए हुए हैं। सो एक मंथ पहले ही चले जाते हैं। ये एक्चुअली 1959 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी पिलानी आए थे तो उनका एक इच्छा था पिलानी बैंड ब्रास बैंड वो भी मार्च करने का, राजपथ पे मार्च करने का। सो जब से आज तक बच्चे मार्च कर रहे हैं, इट इज़ द 65th बैंड वहाँ पर मार्च कर रहे हैं और इसमें मार्च करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, बहुत लगन से और डिसिप्लिन से करना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पर अच्छे से ट्रेनिंग देते हैं। 1 मंथ पहले ही वो राजपथ जाते हैं, वहाँ पर जाने के बाद उनका दूसरा दोबारा ट्रेनिंग भी होता है। सो वी आर वेरी सक्सेसफुली कम्प्लीटेड दिस। वी आर वेरी प्राउड स्कूल एंड प्राउड फॉर इंडिया एज वेल एज फॉर राजस्थान।